उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे। राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह मैनपुरी पहुंचे हैं। मैनपुरी पहुंच कैबिनेट ग्राम विकास मंत्री ने माता अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद मैनपुरी जेल चौराहे पर बने गेस्ट हाउस पर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को देखते हुए समीक्षा बैठक की। बैठक सम्पूर्ण होने के बाद कैबिनेट ग्राम विकास मंत्री मैनपुरी से कन्नौज के लिए रवाना हुए। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट ग्राम विकास मंत्री जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वार्ता की और वहीं पत्रकारों से बात करते हुए डीएपी की किल्लत को लेकर कहा कि सरकार के द्वारा बराबर खाद भेजी जा रही है और किसी भी पॉइंट पर खाद की कमी नहीं दिख रही है और किसानों को पूरी खाद बराबर मिल रही है। वहीं डीएपी खाद की महंगाई और कालाबाजारी को लेकर कहा, ऐसे लोगों पर जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, उसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो प्रशासन द्वारा मुकदमा लिख जेल भेजने का काम किया जाएगा। सर, आज मैनपुरी में आपका आगमन हुआ है, किस संबंध में आगमन था? मैं प्रदेश सरकार का मंत्री हूँ। अशोक चौहान जी मेरे बड़े पुराने साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अन्नपूर्णा माँ की यात्रा में मुझे सब व्यस्त मिले और कार्यक्रम में मिले, वहाँ मैं रुका, अपने स्वजनों से मिला, पार्टीजनों से मिला, मैंने कलेक्टर साहब से जो बहुत पुराने मित्र हैं, मैं मंत्री बाद में हुआ या कलेक्टर भी अब, उनकी सेवा के प्रारंभ से आज तक मेरा संबंध है। प्रधान साहब से छात्र जीवन से, प्रयाग विश्वविद्यालय से लेकर हम लोगों के संबंध है, इनसे मिलने चला आया और मैनपुरी की खैरियत पूछा और कितना अच्छा है कि आप लोगों से भेंट हो गई। सर, आप कृषि मंत्री हैं, खाद को लेकर कई समस्याएं सामने आ रही हैं। ग्राम विकास खाद को लेकर कई समस्याएं आ रही हैं सर मैनपुरी में। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारे जिलाधिकारी ने इस ढंग से इसका नियोजन किया है कि अगले 8 घंटे में कोई पॉइंट ऐसा नहीं, सभी पॉइंट्स पर हमारी डीएपी पहुंच गई है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जिला प्रशासन ने दिन रात मेहनत करके रैक प्राप्त कर ली है और जिन पॉइंट्स पे जब से था सब अगले 8 घंटे में पूरा। सर, महंगी खाद बिक रही है, ब्लैक में भी की जा रही है, 1200 रुपये की सरकारी बोरी है और 1350 रुपये में दी जा रही है खाद को। कई इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, कई शिकायत भी आ रही हैं। हम कलेक्टर साहब मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूँ, आज उनकी व्यस्तता है, एग्रीकल्चर अफसर को ये निर्देशित करेंगे, उसकी चेकिंग कर लें, अगर कोई इस तरह से गलती कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। Audio Jungle.